शहजाद जी ने बड़े एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया और वो बात सही है। वो कह रहे हैं कि विष्णु जी तो इतने समय से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक लड़ाई नहीं कई लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर है हमारा, लेकिन उसके लिए वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर शहजाद जी ने कहा कि कोई जाकर लड़ाई कर रहे हैं देश, उन्होंने कहा लड़ाई अब ऐसे मत बोलिए, विवाद शुरू हो जाएगा। मैं एक बार और शहजाद जी ने बोला कि अगर कोई वक्त जाकर कह दे कि संपत्ति हमारी है तो उनकी हो गई, घसीट रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये आपका नहीं, राम मंदिर बना ही गलत, आपकी मर्जी। नहीं, राम मंदिर बना गलत था क्या? नहीं, राम मंदिर बना गलत था, गलत नहीं, राम मंदिर का आंदोलन गलत था, राहुल गांधी बाबरी मस्जिद का गिराया जाना गलत था, सुप्रीम कोर्ट की बात कही है, क्रिमिनल ऑफेंस था वो। स्वामी चक्रपाणि, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि मंदिरों का कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है जो ऑल इंडिया हो, लेकिन जिस तरह की ताकतें वक्फ बोर्ड के पास हैं, क्या हिंदू समाज या किसी भी धार्मिक समाज के पास कोई ऐसा बोर्ड है जिनके पास इस तरह की ताकतें हों कि जहां जमीन लगे कि वो हमारी है वो दावा कर दे? तो चारिका जी देखिए, आप तो एक में वक्फ बोर्ड अस्तित्व का अंग्रेजी काल का एक संघर्ष हुआ 15 अगस्त 1947 14 अगस्त एक बहुत भारी भूभाग देश का कट गया। एक बात आप बताइए कि पाकिस्तान में क्या हिंदू कोर्ट कोई खत्म होने के बाद है? 56 देश में कई हिंदू कोर्ट है, भारत में सेकुलर देश में वक्त कोर्ट क्या कर रहा है? इसके पीछे बटवारों के तो आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। क्या आप जी स्वामी चक्रपाणि, आपकी आवाज़ मुझे ठीक से नहीं आ रही है, मैं उसको थोड़ा दुरुस्त करा लूं। मैं सीधी बात यह है कि मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि ना तो हिंदू समाज, और मुझे लगता है शहजाद जी ने वो बात बहुत अच्छी तरह से रख दी कि वो इनइक्वालिटी कैसे है, ना पारसी समाज ना ईसाई समाज, कोई भी समाज, उनके पास क्या ऐसी ऐसा कोई बोर्ड है जिसके पास इतनी असीमित ताकतें हो? मुमताज जी आप उस पर ऑब्जेक्शन जरूर रेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही एक मामला तो टेंपल का पैसा सरकार को जाता है और यहाँ पर आप सरकार को छोड़ो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही हूँ। दानिश जी आपके पास आ रही हूँ, टेम्पल ट्रस्ट का पैसा सरकार को जाता है, सरकार जाकर सब पे खर्च करती है और वक्फ बोर्ड अपना ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहता। अब जो नीचे आप ये देख रहे हैं, शफाफियत, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, एक बार सुनिए सुनिए, कौन इनकार कर रहा है? हाईकोर्ट जज को इस पूरे मामले पर, वक्फ के मामले पर गुस्सा क्यों आया, मैं आपको एक बार जरा सुनवाना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही वक्फ का मामला कोर्ट में गया। अब ये चंडीगढ़ हाईकोर्ट का मामला है और इसमें वक्फ बोर्ड ने कुछ संपत्तियों को क्लेम किया, हाँ कुछ संपत्तियों को क्लेम किया, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और कुछ संपत्तियों को क्लेम किया और उस क्लेम पर हाईकोर्ट जज को कितना गुस्सा आया जरा सुनिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे पूरे भारत की संपत्ति वक्फ की है, और ऐसे तो हर संपत्ति वक्फ की कर देंगे आप। जरा सुनिए हाईकोर्ट जज कितना गुस्से में थे। कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस। अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? नहीं, प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को, सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के, अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन आपके वैलिड हो जाएगा? कोई नोटिफिकेशन लागू कर देगा, जारी कर देगा, तो क्या वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी? पूरा भारत ले लो, विष्णु जी आपने टिप्पणी सुनी होगी, मुझे मुझे यकीन है इस बात पर, पूरा भारत ले लो, वो कह रहे कहीं भी नोटिफिकेशन लगा देते हो, ताजमहल भी ले लो। यही बात हम लोग कह रहे हैं सुचरिता जी। देखिए, लॉ में बहुत बड़ी खामी है और उस खामी को बदला जा रहा है, और मुझे लगता है सबको वेलकम करना चाहिए। आप एक बात बताइए यार, जितने पैनलिस्ट हैं उनसे जरा पूछिए कि वफ कैसे होता है, क्या खुद की संपत्ति वफ होती है या किसी और की भी संपत्ति जो उनकी अपनी ओनरशिप में नहीं है उसको वफ कर सकते हैं? सब यही जवाब देंगे कि भाई खुद की संपत्ति ही वफ कर सकते हैं जो अपने जीवन काल में अर्जित की है। तो यही तो डेफिनेशन में बदला जा रहा है, वफ बाय यूजर, कि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि कब से यहां पे आप विराजमान हैं, कोई कागज नहीं है। वफ बाय यूजर का कंसेप्ट लिया है, जो ड्रैकोनियन कंसेप्ट है उसको हटाया जा रहा है सुचरिता जी। अब आपने ये कह दिया सेक्शन 6 में कि अगर आप समय सीमा के अंदर नहीं आए वफ ट्रिब्यूनल तो उनका डिसीजन फाइनल, तो उस जो ड्रैकोनियन बात है उसको डिलीट किया जा रहा है।
आप उसके बाद आ जाइए सेक्शन 40 में, जो सबसे ज्यादा ड्रेकोनियन बात है, सेक्शन 40 में लिखा हुआ है कि कोई भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, जो अभी यहाँ पे माननीय न्यायालय कह रहा था, तो उसको यहाँ पे डिलीट करने की बात हो रही है, हटाने की बात हो रही है। जो वक्फ ट्राइब्यूनल का एक क्राइटेरिया है कि 3 जज होंगे और उसमें से 1 जज इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, ये क्राइटेरिया इस देश की किसी भी कोर्ट में किसी और धर्म के लिए नहीं है, इस आधार पे कोर्ट नहीं बन सकती है, उस क्राइटेरिया को हटाने की बात हो रही है। अब 2 जज की पीठ होगी, वह बोर्ड में जो महिलाएं हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है, इसमें क्या गलत है? सेक्शन 107 में आपको एक समय सीमा के अंदर आना है हमारे लिए, मतलब 3 साल 6 साल 12 साल नहीं आए तो आपका राइट खत्म, इनके लिए कोई समय सीमा नहीं है, उसको खत्म करने की बात हो रही है। तो ये सारी बातें हो रही है सुचरिता जी, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वक्फ की संपत्ति उससे ले ली जाएगी, ये भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट्स हैं और वो अमेंडमेंट्स इसलिए जरूरी है कि कई असीमित शक्तियां दी गई हैं भाई उनमें, उससे असमानता भी है, उस असमानता को भी एड्रेस करने की कोशिश है। मैं एक बार जरा फिर से सुनवाना चाह रही हूँ, एक बार फिर से जज साहब का वो बयान सुनवाइए, जरा फिर से सुनवा दीजिए क्या कहा। तो वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा, मेरा सीधा सा क्वेश्चन है ब्लंट, नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस। अरे भाई साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के, अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो? टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन क्या आपका वैलिड हो जाएगा? अब आपने ये सुना जिस तरह से ये बयान अब आने के बाद, अब शहजाद जी थोड़ी देर पहले आप बहुत सी उनका भी जिक्र कर रहे थे जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर लोग कह रहे हैं। मेरा सीधा मानना है कि अलग अलग धर्मों के लिए सबके लिए एक समानता इस देश में बहुत जरूरी है, हम उसे इस तरह से नहीं देख रहे हैं दानिश जी, हम इसे इस तरह से नहीं देख रहे हैं। अभी विष्णु जी ने कहा, मुमताज जी डज नॉट अग्री, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन दानिश जी एक ही वाक्य कहूंगा, हाँ। आज सारे मुसलमान इसके पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि अभी तक वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उनका बेनिफिट केवल कुछ मुस्लिम परिवारों को जो राजनीति से कनेक्टेड है उनको मिल रहा है, इसीलिए इसके रिफॉर्म के लिए मुमताज जी ने सबसे ज्यादा वकालत की बतौर पत्रकार, पूछ लीजिए कितने आज क्यों नहीं कर रहे हैं वो, आज क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं, जब आप कहते हैं मुसलमानों के राइट्स हम जो छीन लेंगे, बात ये एक वाक्य, बात एक वाक्य, अपने समय पर अपनी बात, मेरी बात अपने समय पर। अभी आपने उन्होंने अच्छी बात की, इन्होंने कहा सीए, सीए पे इन्होंने कहा मुस्लिमों की नागरिकता छिन जाएगी, आप लोग माहौल बनाते हैं ऐसा, एक नागरिकता बताओ, माहौल बनाते हैं बनवाते हैं, मैं ये कह रहा हूं नागरिकता बताओ, समझिए पहले, एक नागरिकता, आप लोग जो है माहौल बनाते हैं की जमीन छिन जाएगी, नहीं नहीं माहौल क्यों बनवाते हैं ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन कर सके, ताकि आप जो है जो अक्षरियती तबका, मुमताज जी नागरिकता तो किसी की छिन नहीं रही है, लेकिन लेकिन मैं ये भी कह दूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ना उसके बाद सीए क्यों जरूरी है वो भी नजर आने लगा है।